नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। 2:52 के आसपास जो है झटके महसूस किए गए हैं। इसका जो केंद्र बताया जा रहा है वो नेपाल के काठमांडू के आसपास का बताया जा रहा है, और इसके जो झटके हैं वो 3 देश में महसूस किए गए हैं, नेपाल, भारत और चाइना में इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं वहां पे ज़्यादा झटके महसूस किए गए हैं। वहीं अगर दक्षिण बिहार की बात करें तो दक्षिण बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज है, क्योंकि जो झटका था वो उतना तेज़ नहीं था। तो कुछ ही लोगों को अंदाज़ा लग पाया था कि बिहार में जो है वो भूकंप आया हुआ है। हालांकि अगर उत्तर बिहार की बात करें, जो नेपाल से सटे हुए तराई इलाके हैं, वहां पे इस झटके को महसूस किया गया और लोग डर के मारे घर से बाहर निकले और अफरा तफरी का माहौल बन गया था। आपको बता दें कि 2:52 पर यह भूकंप आया हुआ है। इसका जो केंद्र है वो नेपाल के काठमांडू से 17 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, जहाँ पर मुख्य केंद्र था। इसका जो भूकंप का मानक है वो 5.0 नापा गया है। रिएक्टर स्केल पर इसका जो मानक है वो 5.0 मापा गया है। तो कोई ये बड़ा झटका नहीं था, लेकिन अगर वहाँ मुख्य केंद्र की बात करें तो वहाँ पे जोरदार महसूस किया गया है। नेपाल से अभी खबर निकलकर सामने नहीं आया है कि इस भूकंप से क्या कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन इस भूकंप के बाद लोग डरे हुए हैं और अफरा तफरी का माहौल है। बिहार के कई जिलों में भी इसे महसूस किया गया है। लोग घर से बाहर आकर अभी भ्रमित है कि भूकंप आया है या नहीं आया है, लेकिन हम आपको बता दें कि बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में इसका मुख्य केंद्र है, नेपाल के काठमांडू से 17 किलोमीटर दूर इसका मुख्य केंद्र बताया गया है, और इसका रिएक्टर स्केल पर माप जो है 5.0 मापा गया है, और जिसको लेकर जो है वहाँ नेपाल की जो पुलिस प्रशासन है वो भी इस मामले को लेकर देख रही है कि कहीं पर क्या नुकसान हुआ है, क्या क्षति हुई है, इसे अंदाज़ा लगाया जा रहा है, खंगाला जा रहा है। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लोगों को सिर्फ झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि ये नेपाल का जो इलाका है, यहाँ पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि हिमालय का ये इलाका है, और इससे कुछ साल पहले भी बिहार में देखा गया था कि लगातार भूकंप आ रहे थे। नेपाल में जोरदार तबाही भी देखने को मिल रही थी। तो ये जो इलाका है काफ़ी संवेदनशील माना जाता है भूकंप को लेकर, और ये जो है रेड अलर्ट के इलाके में नेपाल का जो तराई इलाका है वो आता है। तो अब देखना होगा कि इस भूकंप के बाद क्या कुछ नुकसान हुआ है और क्या कुछ जो खबरें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कि आपने भूकंप के झटके को महसूस किया है, तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।